बेसिस क्लियर होंगे तब आप पढ़ के ही समझ पाओगे कि यार ये रेलेवेंट है, ये बहुत रेलेवेंट है। लेकिन अगर आपके वहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत हिले हुए हैं ना, तो आपको वो डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यार ये जो मैं देख रहा हूँ ना, ये जेन्युइन है, ये देख रहा हूँ ये जेन्युइन। सर्च वो जो टेक्स्ट बार है उस पर क्लिक करके उस पर टेस्ट डेटा डालना है, वो नहीं है। एक हाँ स्टेप मिसिंग है शायद उसके लिए, उसको जी शायद नहीं समझ में आएगा, उसे लगेगा कि ना यार ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो गया, मैं शायद कुछ मिस कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको बहुत क्लियर है वो अपने दिमाग में, तो आपको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए कि आप अपनी बात को कैसे। जो 2-3 साल से एक पर्सन काम कर रहा था, नया पर्सन आता है, सारी 1 महीना 1.5 महीना उसने काम किया, केटी समझी, बट स्टिल प्रोडक्शन पे चीजें ब्रेक हो रही हैं, क्लाइंट की फीडबैक आ रही है, प्रोजेक्ट के लूज होने के चांस बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी की रेपो की बात आ रही है, डेवलपमेंट के कोड पे क्वेश्चन आ सकता है, क्या डेवलपमेंट इतना अच्छा कोड नहीं किया, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं ना यहाँ पे। तो वो पर्टिकुलर चीज ऐसी क्या है कि जिसके थ्रू वो जेन्युइन है भी कि नहीं भी है, तो पहला तो ये हो। मेरा दूसरा लर्निंग से मतलब ये है ना कि आप बेसिक्स को पकड़ो, क्योंकि बेसिक्स ना कभी भी चेंज नहीं होते हैं। एक टेस्टर जो प्रॉब्लम फेस करता है ना, वो एक ये चीज होता है कन्वे करना, उसने सीख लिया, आपने बताया कि स्क्रीनशॉट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये फ्री है, पेड नहीं है, फ्री ये है। हो गया। हाँ क्वेश्चन ये हाँ होता है कभी कभी, इट इज वर्किंग ऑन माय मशीन, इट इज नॉट वर्किंग ऑन योर। बट QA जब रिव्यू करेगा ना, तो वो उस चीज़ को समझेगा कि भाई इसने बनाया कैसे है, वो देखा कैसे है, उसका वाइट माइंडसेट बॉक्स खुलेगा, वो समझना चाहेगा कि यार जिस पे मैं काम कर रहा हूँ ना, वो बना कैसे है। मैं ये बोलता हूँ और ये मेरा मानना भी है, मैं अभी भी देखता हूँ। हाय प्रतीक, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल, दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग। आई हाउ आर यू? हाय हाय गंदा, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? आई एम आल्सो वेरी फाइन एंड थैंक्स फॉर आस्किंग आल्सो। सो आज का टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा एक बार डिस्क्लेमर दे देते हैं ऑडियंस को कि होने क्या वाला है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे चैलेंज ना आते हो, चाहे वो विराट कोहली टाइम का फॉर्म बोल सकते हैं जब वो स्ट्रगल कर रहा था 2 से 2.5 साल की, मैं रन क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, क्या मेरे में ऐसा फील है, क्या मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं एक अपने कंफर्ट जोन में हूँ, ये क्या है। एक डेवलपर भी कभी कभी अपने से ये सवाल पूछता है कि यार मेरे को जो मैंने 3 साल पहले जो मैं कोड करता था ना, अब मैं बड़ा रश में कर रहा हूँ, तो ना वो मेरे को मजा नहीं आ। क्या कभी किसी टेस्टर के बारे में ऐसी बात हुई है कि पहले टेस्टर की अप्रोच बहुत अच्छी हुआ करती थी, बीच में मान लो कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने लग गया कि जिससे उसका टेस्टिंग पे इफेक्ट पड़ने लग गया, तो कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें इफेक्ट हुई हैं उसके करियर में। सो इन दिस पॉडकास्ट हम एक टेस्टर की जर्नी को देखेंगे, आपके एक्सपीरियंस से समझेंगे कि एक टेस्टर जब कोई भी प्रॉब्लम को फेस करता है, जिसे मैं चैलेंज बोलता हूँ, तो वो कैसे थ्रू आउट अपने एक्सपीरियंस को बढ़ते हुए या काम करते हुए प्रैक्टिकली या अपडेट रहते हुए या कम्युनिटी में रहते हुए कैसे अपने आप को उन चैलेंजेस से ओवरकम कर सकता है। तो आई होप आपको क्लियर है कि यू नो कि हम जो हमारा पॉडकास्ट में जब कैचअप हुआ था, तो हमने किन टॉपिक्स को पिक करना है कि कैसे हमने करना है। सो ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रतीक आप अपनी जर्नी हमारी ऑडियंस को ना एक बार शेयर कर दो कि कैसे आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। सो ओवर टू यू नाउ। श्योर, थैंक्स थैंक्स गंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल इनविटेशन के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माय एक्सपीरियंस। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं टेस्टर हूं और मैं लर्नर हूं। मैं टेस्टर और लर्नर को एक साथ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि वो मेरा एक मेरा काम है और एक मेरा उस फील्ड में काम में बने रहने के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट कर रही है, तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अपने सीनियर्स से सीखा है। और मैं जूनियर्स को भी यही एक देता हूँ एडवाइस कि कभी सीखना बंद नहीं करना है। मेरे को 8 साल हो गए हैं QA में और मैं करेंटली जापान में हूँ। जापान में एक मार्केट प्लेस कंपनी है जो कि प्रोडक्ट बेस है, उसमें मैं एज अ सीनियर QA हूँ। और स्टार्टिंग मैंने एक प्रोडक्ट बेस कंपनी इंडिया में ही करी थी। इंजीनियरिंग जो मैंने की थी वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक से करी थी, क्योंकि जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तब मेरे पास पता नहीं दिमाग में क्या था कि मेरे को कंप्यूटर साइंस नहीं लेनी है। उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स का एक थोड़ा आइडिया था कि बहुत चलती है, पर जैसे जैसे इंजीनियरिंग करी, जैसे जैसे फाइनल ईयर में पहुंचे, समझ में आया कि नहीं यार करना पड़ेगा। फिर प्लेसमेंट दिया, प्लेसमेंट हुआ, अल्टीमेटली टेस्टिंग मिली, तो पहली बार मेरा सामना हुआ कि टेस्टिंग एक्चुअली है क्या। शुरुआत बोलूँगा अगर बहुत मतलब रॉ अपने इमोशंस बताऊँ, तो
थोड़ा बुरा तो लगा था, क्योंकि आप सुनते रहते हो ना, आप कॉलेज में भी होते हो, एक वो होता है कि यार ये हम डेवलपर्स हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम क्यूए हो, तो बहुत इश्यूज रहते थे उस पॉइंट पे। तो थोड़ा लगा कि यार देखते हैं क्या होता है, बट फिर जर्नी स्टार्ट करी। बहुत न्यू इन्वायरमेंट था, तो जो ये चैलेंजेस की आप बात कर रहे हो या जो हम इस पॉडकास्ट में करेंगे, वो मेरे सामने भी थे और बहुत सारे थे, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में शायद मैं जानता ही नहीं था, राइट? कि हम कब अल्फा टेस्ट करेंगे, कब बीटा टेस्ट करेंगे, कब इंटीग्रेशन हो रहा है, कब सिस्टम हो रहा है, कब सैनिटी होनी है, कब स्मोक है, अरे ये बिल्ड आ गई, अरे वो बिल्ड आ गई, सब बहुत फॉरेन था मेरे लिए। कुछ भी नहीं समझ में आता था, बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं लर्नर हूँ, तो एक वो जो मेरी एक आदत है वो वहाँ बहुत काम आई। फिर उसको धीमे धीमे स्टार्ट करना शुरू किया, देखा कि भाई पढ़ना शुरू किया कि कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं, सीनियर्स से हेल्प लेनी बहुत एक सीखी, उनसे बात करनी शुरू करी, प्रोसेस को समझा कि एक्चुअली है क्या। क्योंकि मेरा सामान है, जब आप प्रोसेस समझते हो ना, तब आप उसमें देख पाते हो कि कहाँ खामियां हैं और कहाँ ये सही होने के चांसेस हैं, तब फिर आपका दिमाग लगता है। तो ऐसे करते हुए मैंने 4 साल वहाँ पे निकाले। फिर मैंने एक रोबोटिक्स कंपनी में काम किया जो कि जापान में थी, तो उन्होंने ही मेरे को यहाँ बुलाया। वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो एक स्टार्टअप थी। अब दूसरा चैलेंज, जैसे हम बात कर रहे थे, आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आते हो जहाँ सारा प्रोसेस वेल डिफाइंड है, अब आप एक कंफर्ट जोन में चले गए हो, आपको चीज़ें पता है, आपको फ्लो पता है, वहाँ से उठ के आप एक ऐसी जगह आ गए हो जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, अब आपको नहीं पता कि वहाँ कैसे खेलना है। तो फिर उसको सीखने की कोशिश करी, वहाँ सीखा कैसे काम करते हैं। वहाँ का चैलेंज मैं बोलूँगा कि सिर्फ इतना नहीं था कि कंपनी चेंज हो गई है, यहाँ तो एक इन्वायरमेंट चेंज भी, कल्चरल चेंज भी, सब कुछ चेंज था, तो वो भी एक चैलेंज था, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और फिलहाल अभी मैं मार्केट प्लेस में एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सीनियर किए हुए हूँ, और बहुत अच्छा लगता है, अब तो बहुत पैशनेट हूँ क्यूए के लिए, स्पेशली टेस्टिंग के लिए, स्पेशली टेस्टर्स कम्युनिटी के लिए। दैट्स परफेक्ट। आपके इंट्रोडक्शन में ना 3 से 4 पॉइंट ऐसे निकल के आए जिनको मैं अलग चैलेंज बना सकता हूँ पूरा। हम बात करेंगे टेस्टर और लर्नर की। टेस्टर तो सारे हैं, मैं कह रहा हूँ डेवलपर भी टेस्टर हैं। यूनिट टेस्टिंग करने पे सब हाँ कुछ होते हैं कि हैप्पी पाथ चल रहा है, वर्किंग फाइन है, टेस्टर की बारी सिंपल लगते हैं चीजों। लर्नर में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है लर्निंग को लेकर, कि एक टॉपिक के 10 आर्टिकल अवेलेबल है। मैं यहाँ हाँ नॉर्मल बात कर रहा हूँ 1 to 2 ईयर्स का टेस्टिंग एक्सपीरियंस के पर्सनल का पर्सन जो है ना उसी की बात कर रहा हूँ। अभी चैट जीपीटी जैसा एक टूल है हमारे पास, जहाँ पर जो क्रिएटर नहीं भी है ना वो क्रिएटर बन गया है। बन ठीक है, किसी के फॉलोअर 50,000 हैं, किसी के फॉलोअर 5,000 हैं। 50,000 वाला पर्सन जो है वो चैट जीपीटी से लिख के थोड़ा मॉडिफाई करके कुछ भी कर रहा है, हमें पता है उसको मिले हुए उस पर्सन से कितना नॉलेज है कि नहीं है। एक वो कमा रहा है 100-150 लाइक, जो एक रियलिटी है, तो यानी कि फीड में हमारे तो आएगा क्योंकि वो ट्रेंड कर रहे हैं। दूसरा 5,000 फॉलोवर वाला पर्सन का 1-2 लाइक आ रहा है, लेकिन उसका क्वालिटी कंटेंट है क्योंकि उसका थिंकिंग माइंडसेट है। तो यहाँ पर 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले पर्सन को लर्निंग के लिए मल्टीपल चीजें मिल गई हैं, बट कोई सोर्स प्रूफ नहीं है कि भैया वो इसको फॉलो करना चाहिए कि किसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर एक केस स्टडी ये है प्रतीक, जो मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर ये नहीं है कि वो पर्सन जो है वो सीधा किसी वेबसाइट पे जाके यू नो करने लग जाएगा। वो यहाँ पर कम्युनिटी के अकॉर्डिंग कहाँ से सीख सकता है ना, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि एवरीवन इज अ कंट्रीब्यूटर, देयर इज नो अबाउट इट। बट उनके कंट्रीब्यूशन से 1 to 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस का पर्सन किस पर्टिकुलर कंटेंट को फॉलो करे अगर वो किसी चीज लर्न करना चाहता है। यहाँ लर्निंग का मतलब एलएलएम्स भी हो सकता है, या लर्निंग का मतलब जनरेटिव एआई भी हो सकता है, या लर्निंग का मतलब ऑटोमेशन भी हो सकता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही चीज को करने के मल्टीपल आपके पास तरीके हैं, बट कौन सा बेस्ट है ये वाला चैलेंज ना आज भी है। तो इसके ऊपर मैं आपको हाँ जानना चाहता हूँ कि इसको कैसे ओवरकम बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में बिल्कुल बात करेंगे, जेन्युइन चैलेंज है। बट मेरा सोचना ना थोड़ा इस मामले में अलग है, इस बारे में एक्चुअली। देखो, लर्निंग के लिए जैसा आपने बताया बहुत कंटेंट अवेलेबल है, तो पहले तो आपको ये देखना है कि आप कितना क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि बहुत कुछ है, आउटडेटेड भी हो सकता है,
लेटेस्ट भी हो सकता है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो जेन्युइन है भी कि नहीं भी है, तो पहला तो ये होगा। मेरा दूसरा लर्निंग से मतलब ये है ना कि आप बेसिक्स को पकड़ो, क्योंकि बेसिक्स ना कभी भी चेंज नहीं होते हैं। मैं हमेशा एक जब भी कभी कहीं बात करता हूँ या चीज़ बोलता हूँ तो एक ना बहुत छोटा एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि यार मैं जैसे जावा बैकग्राउंड से हूँ, यार अब पाइथन मांग रही है मेरी नेक्स्ट कंपनी, या कंपनी बोल रही है हम पाइथन पे स्विच करेंगे या बोल रही है हम जावास्क्रिप्ट पे स्विच करेंगे, अब उसको कैसे मैं करूँ, क्योंकि मैं बहुत ना कंफर्ट जोन में चला गया हूँ, मेरे को सिर्फ वही आती है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, बेसिक्स इन द सेंस कि अगर मैं आपको बोलूं कि 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम आपको पेपर पे लिखना है, आपको जावा में लिखना है, आपको पाइथन में लिखना है, तो अगर आपके बेसिक्स वहाँ क्लियर हैं तो पेपर पे आप लिख दोगे, वो सेम चीज़ आप जावा पे भी लिख दोगे। पाइथन में चेंज क्या होगा, सिंटेक्स, ठीक है, वो आपको सीखना है। लेकिन अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यही नहीं पता है कि यार मैं 2 वेरिएबल कैसे लूंगा, तीसरे वेरिएबल में कैसे स्टोर कराऊंगा, उनको ऐड कैसे करूंगा, और आप फिर सीधा चैट जीपीटी से पूछ रहे हो या यूट्यूब पे जाकर देख रहे हो, आप कंफ्यूज और होगे, आपके बेसिक्स कभी क्लियर नहीं होंगे। तो जो हमको फोकस करना है ना एज अ लर्नर, वो हमको बेसिक्स पे करना है कि वो हमारे बहुत क्लियर होने चाहिए, उसके बाद तो टेक्नोलॉजी है। मैंने भी एक जगह पॉडकास्ट में ही देखा था, वीडियो में सुना था कि जैसे जो ये नए टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन या फिर डेवऑप्स वाला एरिया ना, जब आप क्यूए की जर्नी स्टार्ट करते हो तो ये ना तो स्टार्टिंग है ना ये एंड गोल है, ठीक है, ये बीच का एक पार्ट चल रहा है, ये आपकी जर्नी के साथ में ही चलता रहेगा, और जैसे जैसे आप ग्रो करते रहोगे वैसे वैसे आपको चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी, और वो लर्निंग आपकी कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम अभी जैसे आपने चैट जीपीटी की बात करी ना, बहुत छोटा एग्जाम्पल था, जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तब तो नहीं था, लेकिन तब बहुत अलग चीज़ें थी, ठीक है, जब मैं पिछली कंपनी में था वो जावा करती थी, नई कंपनी पाइथन करती थी, अब आईओएस कर रही है, बट अब साथ में जनरेटिव एआई भी है, एलएलएम्स भी हैं, उनके भी चैलेंज हैं। अब एक चैलेंज ये भी है कि कंपनी सोचने लगी है यार क्यूए को क्यों रखें, एसकेसी से तो लिखने हैं, जीपीटी से पूछ लेंगे वो बना के दे देगा, बट ये भी तो समझना चाहिए ना कि जीपीटी के शायद बेसिक्स उतने वहां पे एज अ टेस्टिंग माइंडसेट शायद नहीं हो कि वो क्या सोचेगा, वो आपको एक सिनेरियो के हिसाब से बस चीजें बता सकता है, बट अगर आप बेसिक्स लेके चलोगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे टेस्टिंग को लेके, फिर जब आप उस प्रोडक्ट पे उतरोगे ना तब आप उसको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देख सकते हो। तो ऐसा मेरा मानना है, वो मैं ऐसे रिलेट करता हूँ, तो मेरा जो गो टू पार्ट होगा वो यही होगा, अपने बेसिक्स आप बहुत स्ट्रांग करो, अपने फंडामेंटल्स आप बहुत क्लियर रखो, उसके बाद जब आप देखना शुरू कर रहे हो या कुछ कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर रहे हो तो देखो कि वो कंटेंट क्वालिटी उसकी कैसी है, कुछ लिखा तो नहीं है, क्योंकि आप देखो ना जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तब आप पढ़ के ही समझ पाओगे कि यार ये रेलेवेंट है, ये बहुत रेलेवेंट है। लेकिन अगर आपके वहां पे कॉन्सेप्ट बहुत हिले हुए हैं ना तो आपको वो डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यार ये जो मैं देख रहा हूँ ना ये जेन्युइन है, ये देख रहा हूँ ये जेन्युइन, ट्रू ये वाली मेरा इस पे सोचने का तरीका ऐसा है कुछ। परफेक्ट। पर देख, इसी में ना दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपने इंट्रोडक्शन में जो बोला था कि अंडरस्टैंड द प्रोसेस फर्स्ट, क्योंकि और आपने यहीं पर एक चीज बोला कि एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, तो पहले तो प्रोसेस के ऊपर, टेस्टिंग के ऊपर अब बात करेंगे। देन फिर अभी एक और आपने एक और एग्जांपल दिया कि गंधर्व सिंटेक्स ही तो चेंज है, पहले कॉपी में लिखोगे फिर आप कंप्यूटर में लिखोगे जो मर्जी करोगे। तो पहले मैं प्रोसेस के ऊपर बात करता हूँ, देन फिर मैं इस पे जंप करता हूँ एक चैलेंज को लेके। यहाँ सबसे चैलेंज ये आता है कि अगर प्रोसेस की बात करें तो क्या होता है कि ना, एक टेस्टर है, 5 से 6 साल एक्सपीरियंस है, तो वो तो फ्लेक्सिबल एडोप्टेबल सारे बड़े बड़े कीवर्ड में वो फिट बैठता है, क्योंकि उसने अपना देख लिया, सर्विस टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सर्विस टू सर्विस, प्रोडक्ट टू सर्विस, चारों कॉम्बिनेशन बना लिया उसने। बीच में स्टार्टअप भी कर लो, कुछ भी कर लो, एक्सपीरियंस है वो, फ्लेक्सिबल है, इंटेलिजेंट टेस्टर है, थिंकिंग माइंडसेट है, पता है कि ब्रेक करने से पहले क्या वे है कन्वे करने के, वो भी उसको पता है, सब कुछ पता है। दूसरी तरफ एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें प्रोजेक्ट कंपनी के पास काफी पुराना है, मतलब 10-12 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, जो उस पर पहले क्यूए काम करता था, सीनियर क्यूए, वो जा चुका है, नोटिस पीरियड में था, लास्ट मंथ है, जा चुका है। नो नॉलेज ट्रांसफर वाला ना फेज चालू हो चुका है, 1 महीने के अंदर 2-3 साल के काम का किटी देना है, ऑटोमेटिकली चैलेंज है वो, तो हम रिकॉर्डिंग्स के थ्रू करके उसको हम दे सकते हैं, वो कंट्रोलेबल फैक्टर है, क्योंकि हमारे पास इतना है कि उसकी रिकॉर्डिंग देके ड्राइव में सेव करा के कर सकते हैं। मेजर ये होता है जब वो पर्टिकुलर उस प्रोसेस पे जाके टेस्टिंग करता है,
तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन पहले वाले टेस्टर से तो इतनी अच्छी होती है, भैया ये तो एकदम डिलीवरी ऐसी देता है कि यू वेट करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिप्लॉय कर दो। बट ये जो नया सीनियर क्यूए आया है एज अ रिप्लेसमेंट जो कंटिन्यू कर रहा है, चीजें ना खराब हो रही हैं। मतलब फंक्शनल लेवल चीजें जो है, टिकट वापसी आ रही है, जीरा भरी जा रहा है, रेड सिग्नल जा रहे हैं, P01 निकले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्वालिटी जो स्टैंडर्ड सेट हुई हुई थी, जो 2-3 साल से एक पर्सन काम कर रहा था, नया पर्सन आते सारी 1 महीना 1.5 महीना उसने काम किया, केटी समझी, बट स्टिल प्रोडक्शन पे चीजें ब्रेक हो रही हैं, क्लाइंट की फीडबैक आ रही है, प्रोजेक्ट के लूज होने के चांस बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी की रेपो की बात आ रही है, डेवलपमेंट के कोड पे क्वेश्चन आ सकता है, क्या डेवलपमेंट इतना अच्छा कोड नहीं किया, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं ना यहाँ पे। तो वो पर्टिकुलर चीज ऐसी क्या है कि जिसके थ्रू 2 साल वाले ने तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर लिया है, उसे पता है कि इन एंड आउट क्लाइंट का नेचर कैसे है, कि क्लाइंट नॉन टेक्निकल है, सुपर टेक्निकल है, कि सिर्फ टेक्निकल है। बट ये 1 महीने वाले का एजेंडा सिर्फ यही है कि मुझे टिकट क्लोज करनी है अभी। तो इसको वो किस तरीके से ओवरकम कर पाता है, क्योंकि ये जनरली सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पर आपके होते हैं। यहाँ ये सब जगह ही है गंदर, ऐसा नहीं है कि सर्विस में ज़्यादा है या प्रोडक्ट में ज़्यादा है। मेरा सोचने का जो इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऐसा है कि हर टेस्टर डिफरेंट होता है, हर टेस्टर का माइंडसेट डिफरेंट होता है। ठीक है। कंपनीज क्या होती है ना कि उनका प्रोसेस इतना स्टेबल हो चुका होता है एक पॉइंट पे, कि वो ज़्यादा अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है ना तो उनको लगता है कि यार वी विल लूज कॉस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली भाई सब पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। अगर आपके बग्स ज़्यादा आ रहे हैं या आपके बग्स बहुत कम आ रहे हैं, आपके सारे मतलब रिपीट आए जा रहे हैं, फिर फिक्स होने में टाइम लग रहा है, सब चीज़ में टाइम लग रहा है, तो अल्टीमेटली कॉस्ट इंक्रीज होती है, कंपनी को नुकसान होता है। क्लाइंट पैसा देता है, क्लाइंट पैसा देता है तो बोलता है कि यार यहाँ मेरे को उतनी क्वालिटी नहीं मिल रही है। दो पॉइंट बोलूँगा मैं यहाँ पे, थोड़ा शायद पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो बट दोनों रिलेट करते हैं। तो पहला तो ये है कि टेस्टर्स के पास अपनी बात को कन्वे करने के लिए भी एक तरीका होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि आप एक अलग हो, आप एक अलग टेस्टर हो, मैं एक अलग टेस्टर हूँ, आप सेम प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से अप्रोच कर सकते हो, मैं सेम प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से अप्रोच कर हो सकता सकता हूँ। है। इसीलिए कंपनीज प्रोसेस बनाती हैं, ठीक है। क्योंकि अब ऐसे अगर मैं 4 बंदों की क्यूए टीम बना दूं तो हर कोई अपने अपने डायरेक्शन में सोचेगा, तो ऐसे तो टेस्टिंग कभी हो ही नहीं पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्योंकि कंपनी ने ये सोच रखा है कि 100% टेस्टिंग इज अचीवेबल, 100% ऑटोमेशन इज अचीवेबल, जो कि रियलिटी में नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए प्रोसेस बहुत ज़रूरी है और उस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पे एक प्रोसेस होता है तब आप अपनी थॉट को एक डायरेक्शन में ले सकते हो। जैसे कि अगर बहुत छोटे एग्जांपल्स में समझें कि भाई मेरी कंपनी क्या प्रोसेस फॉलो करती है, कि फॉर एग्जांपल फ्राइडे को बिल्ड आएगी, मंडे को हम उसे टेस्ट करेंगे, ट्यूसडे वो क्यूए में जाएगी, ठीक है, वेंसडे तक क्यूए उसको टेस्ट करेगा, और थर्सडे को हम ब्रांच कट कर देंगे और फ्राइडे को हम उसे रिलीज कर देंगे, ठीक है, और डिप्लॉय हो जाएगी फ्राइडे तक। अब ये एक प्रोसेस है प्रॉपर जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई किस दिन क्या होती है, ठीक है, किस दिन मेरा ब्रांच कट होगा, किस दिन वो क्यूए में आएगी, क्यूए में अगर आएगी वहाँ पे कुछ इश्यूज आते हैं तो भाई मेरे लिए बैंडविथ कितनी है बची हुई, ठीक है, मैं कैसे उनको डिलीवरी दे पा रहा हूँ, जो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ वो क्या पूरे प्रोडक्ट को या पूरे फीचर को जो भी बनाया जा रहा है उसे अच्छी तरीके से कवर कर रही है। तो एक टाइम मैनेजमेंट भी बहुत आता है कि आपने एक फोरसाइट से सोच रहे हो एज अ क्यूए, आपका काम ये नहीं है। मैंने कहीं पे पढ़ा था और बहुत अच्छी बात थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। क्यूए का काम ये बताना नहीं है कि ये कैसे काम करता है, मतलब ये बताना है कि वो कैसे काम करता है, रादर देन ये बताना है कि ये काम कर रहा है, समझ रहा हूँ। ठीक है। कि क्यूए है तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपने मुझे फीचर दिया, ये फीचर ना काम कर रहा है, ये फीचर कैसे काम कर रहा है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए की है। और वो फोर साइटेडनेस ना होनी चाहिए कि जब आप उस चीज को देखो तो आप उसको बता पाओ। और ये चीज एक्सपीरियंस से आती है गंधर्व, ये जैसे कि मैं 1 ईयर या 2 ईयर वाले पे बोलूँ ना, उन पे ज्यादातर काम डेलीगेशन वाला आता है, जो कि दिया गया होता है कि या तो सीनियर क्यूए से आया है ये, या फिर डायरेक्ट पीएम से आ गया है, या प्रोडक्ट मैनेजर से आ गया है, कहीं से भी आ गया, तो वो काम को देखते हैं। बट वो क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला था, अगर वो लर्निंग जर्नी में है ना तो जितना वो अपने आप को उस प्रोसेस में डालेंगे वो ही उतना उस टाइम पे वो अपने आप को समझ पाएंगे कि इसमें लूप होल्स क्या है।
इसमें खामियां क्या हैं, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, ठीक है ना, हम कहाँ टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, हम कहाँ टाइम बहुत कम लगा रहे हैं, कहाँ हम वैल्यू ऐड ही नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ हम वैल्यू ऐड बहुत ज़्यादा कर पा रहे हैं। अगर वो इस प्रोसेस को लेके समझेगा तो वो समझ पाएगा कि अच्छा हाँ ये काम मैं बहुत सही हो रहा है और अब मैं अपनी बात को कन्वे कर पाऊंगा। यहाँ दो तरीके होते हैं, यार तुम्हारी टीम से बहुत इश्यूज आ रहे हैं, हाँ सर, हाँ मैम, हम हाँ, या फिर क्लाइंट, यार बहुत टेस्टिंग कर रहे हैं लेकिन ना कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है, देख रहे हैं, टीम को समझा रहे हैं, एक ही तरीका होता है जो कि क्यूए यूजली जूनियर वाला होगा तो ऐसे लेवल पर चला जाएगा। समझ जब आप प्रोसेस समझे हुए होते हो ना, जब आपसे पूछेगा क्लाइंट कि यार तुम्हारी टीम से बहुत बग्स आ रहे हैं, तब आप उसको डेटा देते हो कि भाई देखो ये ब्रांच कट हुआ था, इतने दिन क्यूए में रही, यहाँ अर्जेंट इशू आ गया था, इसको फिक्स में इतना टाइम लगा, डेवलपर ने यहाँ फिक्स करके नहीं दिया, फिर दूसरी बिल्ड यहाँ पे आई, ये स्मोक में फेल हो गई, फिर यहाँ पे सैनिटी में फेल हो गई। जब आप उसको बात करते हो ना तो क्लाइंट को भी लगता है कि हाँ यार बंदा ना पीछे का कुछ समझ के सपोर्ट बोल रहा है, बंदे ने उसने है। उसे काम किया, अगर उस पर नॉलेज ट्रांसफर भी हुआ है ना हाँ तो ऐसा नहीं है कि उसने सारे जो अब प्रोसेस था ना उसे एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, हाँ क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। जब मेरे को एक टास्क मिली थी कि मुझे एक कंपनी के लिए प्रोसेस बनाना है, तो मैंने जो पिछला सीखा हुआ था वो एज इट इज लगाने की कोशिश करी थी और मैं बहुत बुरा फेल हुआ था, तब मैंने वहां से सीखा कि ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आप प्रोसेस समझो जो कंपनी ने बता रखा है, उस हिसाब से फिर उसको अडॉप्ट करो। जब आप ऐसा करोगे ना, और जब आप डेटा प्रेजेंट करोगे, जब आपकी ये पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, जब आप अपने आप को बहुत मतलब ऐसा फील करोगे कि ना आपको सब पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चीज़, ये कॉल यहाँ पे एपीआई कैसे हो रही है, ये फीचर कैसे बना हुआ है, ये फंक्शनैलिटी कैसे काम कर रही है, अगर आप उस पर बहुत सॉलिड आपको पता है तो फिर आप प्रोसेस के साथ बहुत ईजिली डेवलप कर जाओगे। तो कन्वे करना आना चाहिए और कन्वे आप तभी कर पाओगे जब आपको नॉलेज है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपका कन्वे नहीं, आपका वो स्टोरी टेलिंग ज़्यादा लगेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग द वर्ड स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग पे यहाँ पर एक मैं पॉइंट को क्लियर कर दूँ। यहाँ पे स्टोरी टेलिंग जो है ना वो भी एक आर्ट है, वो भी एक्सपीरियंस के साथ आएगी किस तरीके से बताना है। यहाँ पर नेगेटिव स्टोरी टेलिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बातें बनाने वाली नहीं, बात को समझाने वाली बात की स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है। ये बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट बिल्कुल एग्जैक्टली, वो है। भी एक आर्ट है और एग्जैक्टली वो भी आनी चाहिए, वो भी जब आप एक्सपीरियंस, जैसे आपने बोला ना, एक्सपीरियंस के हाँ साथ आप ग्रो करते हो तब आप उस चीज को हाँ रख पाओगे। स्टोरी टेलिंग जैसे मैंने बोल दिया कि स्टोरी टेलिंग, तो लोग उसको शायद निगेटिवली ले सकते हैं कि हाँ बातें बना रहे हैं, बट स्टोरी टेलिंग में भी डेटा होता है, स्टोरी टेलिंग में भी रिसर्च होती है, स्टोरी टेलिंग होती है कि अपनी बात को किस तरीके से बना के बता रहे हो ट्रू और कितना अच्छा बता रहे हो। एग्जैक्टली एंड प्रतीक इसी चीज पे जैसे स्टोरी टेलिंग पे भी हमने बात कर ली ना, लेकिन अभी जब हमने लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन किया था जहां पर लर्निंग के ऊपर बात हो रही थी, तो आपने बताया था कि ये चीज हो सकती है, सिंटेक्स ही तो चेंज होगा, समझना पड़ेगा बेस क्या है। वहां पर आपने एक चीज बड़ी कॉपी पे लिखना होंगे, उसके बाद करोगे, दिमाग में आएगा लिखना, क्योंकि लिखना तो बहुत जरूरी है बिना, क्योंकि इस चीज मैं धोखा पर्सनल लेवल पे खा चुका हूँ। हाँ, ये होता है सबके साथ मैं होता मैंने खाया और मुझे पता है कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। दैट ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे भी सवाल है जो मैंने देखा है लाइफ। जब हम कोई भी चीज कॉपी पे लिखते हैं ना, तो इंजीनियरिंग में ना उसे हम ड्राई रन कहते हैं कोडिंग की भाषा में। अगर हम सिंपल में लिखें पहले, मतलब अगर हमारे को कोई टीचर भी कॉलेज में बताते हैं तो वो कहते हैं कि कॉपी में लिख लो, प्रोग्राम लिखो, वो प्रोग्राम में आप लॉजिक लिखवाते हैं लेकिन साथ में एक अलग से टेबल बनवाते हैं जहां पर इनपुट ये, आउटपुट ये, इनपुट ये, आउटपुट ये, फ्लो कैसे चलेगा, ट्रुथ टेबल की फॉर्म हो सकता है किसी में भी। यहाँ पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाली चीजें आ गई, उस पर तो नहीं जाएंगे कि कैसा होता है वो, बट ये जो लिखने वाला तरीका होता है ना, ये टेस्टर के लिए एक आर्ट है जो प्रैक्टिस के साथ आएगा। अब डेवलपर के लिए तो ये रहता है कि वो क्या करता है कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा तो उसका कोड का जो लाइन्स होंगी वो धीरे धीरे कम होती रहेंगी, ऑप्टिमाइजेशन वाली बात। बट टेस्टर के लिए अभी लाइंस के ऊपर तो हम बात नहीं आ रही, क्योंकि ऑटोमेशन की बात नहीं हो रही है, सिलेनियम की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं कि जो बग्स निकाले गए हैं उसकी रिपोर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, वो बहुत मैटर करती है। मतलब क्या यूजर वर्ड यूज हो रहा है, क्या यूजर्स वर्ड यूज हो रहा है, क्या ही वर्ड यूज हो रहा है, क्या ही स्लैश शी यूज हो रहा है, क्या शुड यूज हो रहा है, इज यूज हो रहा है, यहाँ पर टाइपोस, करंट सिनेरियो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो हमारी पूरी रिपोर्टिंग होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वो किस तरीके से एक टेस्टर सुधार सकता है,
ये मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन से मेरा सवाल इसलिए, क्यों? क्योंकि हर कंपनी में जो भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, या जो भी आपके साथ काम कर रहे होते हैं बिजनेस एनालिस्ट, उनकी डॉक्यूमेंटेशन का लेवल ना कहीं बहुत ऊपर होता है। क्योंकि जब वो यूजर स्टोरीज को राइट करते हैं, एजम्पशंस को लेते हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखते हैं, एपिक को लिखते हैं, और फिर क्लाइंट से उसका अप्रूवल लेते हैं, तो क्लाइंट का खाली यस लिखना ये बताता है कि इन्होंने हर चीज पहले करके देखी है। यस लेकिन हमारा वर्किंग एज एक्सपेक्टेड ना अलग तरीके से चलता है। समरी क्या है, टेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन से एनवायरमेंट में टेस्ट, कौन सा कमेंट है, कौन से टेस्ट डेटा का यूज किया, कौन सा मॉड्यूल है, सीरियल नंबर क्या है, सब कुछ क्या है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये पूरे केस स्टडी बन गई है। तो इस वे में हाउ एज अ टेस्टर आई कैन इम्प्रूव माई डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी नेसेसरी थिंग। वाई सो? बिकॉज कंपनीज में जब आज के टाइम पे कोई भी क्लाइंट आ रहा है तो वो ये कह रहा है कि मेरे को डॉक्यूमेंट भी चाहिए एग्जीक्यूशन करने के लिए जब वो अपने एंड पे बैठेगा। तो मैं इसके ऊपर आपका बोल्ड व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत ज्यादा रियल टाइम है। समझते हैं और बात करते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि यूजली जो टेस्टर्स होते हैं ना, वो रिपोर्टिंग को शायद अब एज अ पार्ट ऑफ क्यूए नहीं मानने लगे हैं। वो क्या करते हैं कि कोई नया बंदा अगर सीधा टेस्टिंग की दुनिया में आना चाहेगा ना, तो उसके लिए सबसे पहला दिमाग होता है कि यार मैं ना ऑटोमेशन सीख लूं। ठीक है, उनको टेस्ट केसेस लिखने भी नहीं आ रहे हैं। एक ये भी एक पॉइंट है जिसपे शायद बहुत कम लोग बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको टेस्ट केस ऑटोमेट करना है तो वो क्या ऑटोमेट करना है, वो भी तो कहीं पे लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना, और वो कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो एक आर्ट है। फिर यहाँ जी आप देखो, इंटरनेट पे जाओ, आप एक सर्च करो भाई टेस्ट केस फॉर्मेट, टेस्ट रिपोर्टिंग फॉर्मेट, आपको एन नंबर्स ऑफ फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, जी जो कि पर्सन टू पर्सन अगेन डिपेंड कर सकता है। आप ये देखो कि आप उस फॉर्मेट में कंफर्टेबल हो जिसमें बहुत कम बातों में आप अपनी सारी चीजें कन्वे कर पाओ। ठीक ठीक है, है जी उसके लिए आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है। आप टेस्ट केसेस को कैसे लिखोगे कि भाई मेरी टाइटल में क्या रहेगा, मेरी प्री कंडीशंस में क्या रहेगा, मेरे स्टेप्स क्या रहेंगे, मेरे जी एक्सपेक्टेड क्या रहेंगे। ठीक है ना, फिर मैं पास फेल कैसे उसे दूंगा, जी ये चीज आपको बहुत समझ में आनी चाहिए और आप बहुत इसमें क्लियर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक चीज को ऐसे समझो कि जब आप ये टेस्ट केसेस या रिपोर्टिंग जब आप किसी को रिव्यू के लिए देते हो, तो आपको अपने दिमाग में तो क्लियर होता है कि लॉग इन स्क्रीन पे जाना है, साइन पे, फिर लॉग इन पे क्लिक कर देना है और लॉग इन हो जाएगा। बट क्या पता जो यूएक्स या यूआई वाला बंदा या फिर बिजनेस वाला उसे रिव्यू कर रहा है, जब वो करने बैठे उसमें एक स्टेप मिसिंग है कि भैया अब सर्च, वो जो टेक्स्ट बार है उस पर क्लिक करके उस पर टेस्ट डेटा डालना है, वो नहीं है, एक हाँ स्टेप मिसिंग है शायद उसके लिए। उसको जी शायद नहीं समझ में आएगा, उसे लगेगा कि ना यार ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो गया, मैं शायद कुछ मिस कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको बहुत क्लियर है वो अपने दिमाग में, तो आपको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए कि आप अपनी बात को कैसे, फिर वही बात आती है कि कैसे बता पा रहे हो। बात है जी। वो ऑन पेपर भी वैसे ही रहेगी, रिपोर्टिंग हाँ के फॉर्मेट में भी, और वो टेस्ट केस लिखने के फॉर्म में भी वैसे ही रहेगी। और जब आप प्रोसेस क्रिएशन करोगे या अपनी चीजों को कैसे बताओगे, जब आप डेटा उसको प्रेजेंट करोगे, तो भी वो वैसे ही रहेगी। ठीक है, ओके जैसे मैंने देखा है और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ, ये जब कभी हम बग्स को लॉक करते हैं, जी इवन जो हम उसका टाइटल देते हैं फॉर एग्जाम्पल, वो भी कभी कभी नहीं समझ में आता है कि यार कितना लिखना है, कैसे लिखना है, फिर ना तो उसके स्टेप्स बहुत डिटेल्ड में नहीं है, उसमें प्री कंडीशंस मिसिंग हैं। अब आपको ये चीज एज अ टेस्टर, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ, आप दो चीजों को अलग नहीं कर सकते हो, दो चीजों को एक ही करके देखना पड़ेगा। जब आप एज अ टेस्टर हो, आप एक फोन पे या एक वेबसाइट पे किसी चीज को आप टेस्ट कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन है या सिस्टम है, आप उस टाइम उस जोन में होंगे, आपको पता है ये चीजें कैसे फ्लो हो रही हैं। हाँ ठीक है ना, आप ये समझो कि जब आप किसी को बताओगे, तब आप उस जोन में रह के नहीं बता सकते हो, तब आपको उसे बताना पड़ेगा कि भाई ये तेरे को ये ऐप खोलनी पड़ेगी, यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसको फिर इस स्टेप से बी पे जाना पड़ेगा, फिर सी पे जाना पड़ेगा, फिर डी पे जाना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे करोगे ना तो तुमको इशू समझ में आएगा। समझ इफेक्टिव तरीका क्या होता है, लोग वीडियोस लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्क्रीन शॉट्स लोग मिस करते हैं, ये भी एक इफेक्टिव तरीका है अपनी रिपोर्ट्स को अच्छा बनाने के लिए। जी इस बात पे मैं एक, मतलब यहाँ पे जैसे हम जब रिपोर्टिंग पे बात कर रहे हैं, आपने वर्डिंग्स पे बात करी थी कि शुड है कि ही है, अगर हम नॉर्मल एक
सेंटेंस लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं उस पर मैं इतना फोकस तो नहीं करूंगा कि वहां पे आप इतना ध्यान दो, बट एज ए टेस्टर जब आप फीचर्स के बारे में लिख रहे हो तो फीचर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई यूजर और यूजर सेपरेट एंटिटी है, ठीक है एग्जैक्टली ना, लॉगिन और साइन अप सेपरेट एंटिटी है, ठीक है ना, टेस्ट डेटा वैलिड इनवैलिड अलग है, अगर लिखा हुआ है कि अल्फा न्यूमेरिक सपोर्टेड है कि न्यूमेरिक सपोर्टेड है कि सिर्फ अल्फाबेट सपोर्टेड है, तो तीनों के लिए टेस्ट डेटा अलग अलग बनेगा और फिर यहाँ पे तीन केस भी बन सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो अटेंशन टू डिटेल बहुत मैटर करती है उस पॉइंट पे, और वो एक टेस्टर का माइंडसेट होना भी चाहिए कि अटेंशन टू डिटेल बहुत मायने रखती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल की बात में अगर यहाँ पे एक चीज में भी बताऊं, तो लॉगिन कहती है आपकी यूजर स्टोरी कि भाई एक टेक्स्ट बार है उसमें हम टेक्स्ट लेंगे, अब आप एक कंडीशन लिखी हुई है कि अल्फा न्यूमेरिक है, अब ठीक है आपने एक न्यूमेरिकल का टेस्ट केस बना दिया, एक अल्फाबेट का बना दिया, अल्फा न्यूमेरिकल का बना दिया, और आपने तीनों चला दिए और वैसे ही चल रहे हैं। बट एक बंदा आया उसने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक दबा दी और आप लॉगिन हो गए, ठीक है ना। तो ये सब ये अटेंशन टू डिटेल बहुत मैटर करती है, और अटेंशन टू डिटेल को आप डायरेक्टली मैप कर सकते हो आप अपने रिपोर्टिंग्स के तरीके से, अपने टेस्ट डेटा क्रिएशन के तरीके से, किस तरीके से आपने टेस्ट केसेस लिखे हैं, और ये ना आपको रिव्यू में भी हेल्प करेंगे। जब आप अपने टेस्ट केसेस को रिव्यू कराते हो तो उसमें बहुत हेल्प होती है। तो सेट पैटर्न तो कोई नहीं है, बट उस पैटर्न को आप एक्नॉलेज करो जिसमें आप अपनी बात को बहुत अच्छे से कन्वे कर सकते हो, ऐसा मैं समझता हूँ करना चाहिए। प्रतीक, अभी जैसे बहुत एक अटेंशन टू डिटेल वाली बात करी आपने, ये बताया कि ये नहीं है कि तुम अपने मर्जी से अपने लिए टेस्ट केस बना रहे हो, तुम्हारे टेस्ट केस, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हें पता है कि कैसे टेस्ट चीजें हुई हैं, तुम्हें इन एंड आउट पता है, चल गया, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, इन एंड आउट वर्ड मैंने क्यों यूज किया। अभी आपने एक चीज बताई कि टाइटल पढ़ के ना बंदे को पता चल जाए बच्चा ये बग है। रिप्रोड्यूस में अगर चार स्टेप है ना तो शॉर्टकट नहीं होना चाहिए कि स्टेप वन के बाद टू आ गया, टू के बाद थ्री में कुछ कंटेंट है, सीधा स्टेप फोर आ गया। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो पता है तुमने कर लिया, लेकिन सामने वाला जिसने सोल्व करना है शायद वो कंफ्यूज हो सकता है। तो वहां आपकी प्रोडक्टिविटी पे कुछ असर ना हो कि क्लाइंट के लिए आप पर्सन को कॉल कर रहे हो, फिर वहां पे 15 मिनट लगा रहे हो, स्क्रीन शेयर कर रहे हो, तो वो वाली चीज आ गई। अब मैं यहीं से थोड़ा सा आगे प्रोसीड करूंगा इन एंड आउट वाली चीज में, कि ना हमेशा ना मेरे को एक मेरे पॉडकास्ट में बहुत बढ़िया बात कही थी, मुझे आज भी याद है, जिसे मैं रिपीट हमेशा करता हूँ अपनी हर टॉक में। ज्यादातर कंपनी में बहुत लोग काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट में 200 लोग काम करते हैं, प्रोजेक्ट में कुछ 5 लोग भी काम करते हैं, लेकिन जब टेस्टर काम करता है ना तो उसकी अप्रोच ना अलग होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सब जो है ना वो हैट पहनते हैं लेकिन टेस्टर हमेशा शू पहनता है। ये एक सिंपल एक रूल कहते हैं। तो लास्ट टाइम जब हमने डिस्कशन किया था कैचअप पे कि यू नो कि क्या है माइंडसेट, क्या है टेस्टर का या क्या है, तो आपने एक वर्ड बोला था, QA इज इक्वल टू योर इंटरनल कस्टमर। तो मैं ये पूरा जानना चाहता हूँ, ये आपने इंटरनल कस्टमर ये वर्ड यूज क्यों किया, और मैं समझ गया हूँ वैसे इंटरनल कस्टमर है क्या, बट मैं इसको स्टिल चाहता हूँ कि आप एक्सप्लेन करो कि आपके एक्सपीरियंस से ये क्या है एक्चुअल में, बोल्ड व्यू क्या आपका इस पर्टिकुलर चीज को लेके, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके, तो रहेगा। मेरा अभी भी ऐसा मानना है गंदर कि जो QA हैं वो इंटरनल कस्टमर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डेवलपर्स ने डेवलप कर दी एक प्रोडक्ट या फिर एक फीचर, ठीक है, मार्केटिंग से आ गया कि भाई ये बनाना है, किक ऑफ मीटिंग हो गई डेवलपर्स ने के साथ हो गई, इंजीनियरिंग मैनेजर के साथ हो गई, सबने मिलकर डिसाइड किया, एक फीचर बन गया, एक फीचर आ गया। QA ने वो फीचर जो बना है उसको टेस्ट कर दिया, ठीक है, बट क्या ये काम हो जाएगा, इतना वेल इनफ है, या इतना हम बोल सकते हैं कि बस सही है, अब ये अगर मार्केट में निकलेगा तो ये वैसे ही चलेगा जैसा सोचा गया है। आइडली यस, बट आइडल सिनेरियोस रियलिटी में होते नहीं है। तो QA को ऑब्वियसली वो आपका रोल है कि आप उस फीचर को वो टेस्ट कर रहे हो जैसा वो बना है, और वो आप उसको एक वहाँ पे आप उसको बता रहे हो कि हाँ भाई ये इनफ कर रहा है, ये वो कर रहा है जो कि यूज़र का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया था। बट अब यूज़र है, यूज़र को नहीं पता है कि ये फीचर कहता है कि ए पे जाना है, फिर बी पे जाना है, फिर सी पे जाना है, यूज़र तो डायरेक्ट सी पे जाएगा, ठीक है ना, और यूज़र डायरेक्ट सी पे जाएगा और देखा कि नहीं चल रहा है फिर। तो
क्यूए का एक माइंडसेट वो होना चाहिए कि मैं अपने प्रोडक्ट को या मैं इस फीचर को ऐसे देखूंगा जैसे कि एक यूजर यूज कर रहा है, समझ रहा हूँ मैं। हाँ मैं फिर उसमें ये नहीं देखूंगा कि मैं बाय द बुक नहीं चलूंगा। जी मैं वो बाय द बुक तो मैं चल लिया हूँ, बाय द बुक तो मैंने केसेस लिख लिए हैं, टेस्ट कर लिया है, फीचर बना दिया है, सब कर दिया है, बट अब मैं इसको एज अ यूजर देख रहा हूँ बैठ के। इसीलिए जो प्रोसेसेस है ना, जैसे एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, जैसे डॉग फूडिंग, बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि ये आपको दिखाती हैं कि आप इसको ऐसे यूज कर रहे हो जो शायद केसेस नहीं देखे गए हो, या कोई दूसरा बंदा कैसे तरीके से यूज कर सकता है, कोई यूजर कैसे यूज कर सकता है, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्यूए का माइंडसेट एक तो ये होना ही चाहिए कि भाई उसे अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए कि इसे टेस्ट कैसे करना है, बट एक माइंडसेट ये भी होना चाहिए कि मैं भाई ना फिर एज अ यूजर यूज कर रहा हूँ, और अगर मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पे यार ये जो सिनेरियो है या ये जो चीज़ है ना, ये फिट नहीं बैठ रही है, तो फिर मैं उसको इस तरीके से प्रेजेंट करूँ और उसको कन्वे करूँ कि कंपनी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे। क्योंकि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट सब ह्यूमंस हैं, और एक फीचर वो आ रहा है वो एक प्रॉपर चेन की तरीके से आ रहा है, उसके बाद उसको बहुत पॉलिश किया गया है, देखा गया है कि ऐसे डेवलप होगा, ऐसे बनेगा, ये करेंगे, ये सिनेरियो करेंगे, वो सिनेरियो करेंगे, बट कुछ मिस हो सकता है ना। कस्टमर्स तो कुछ भी कर सकता है, और फाइनली अगर वो किसी चीज़ के साथ इंटीग्रेट होगा और इंटीग्रेशन में कहीं कोई चीज़ फेल हो गई, क्योंकि कस्टमर्स तो ज़रूरी नहीं है आप चाह रहे हो कि भाई तुम्हें 1 2 3 करना है, कस्टमर ने 2 3 बंद कर दिया फिर, हाँ कुछ भी हो तो सकता ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। है। और जब आप इस तरीके से करते हो तो आप इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आप वो अनएक्सप्लोर्ड एरिया एक्सप्लोर कर लेते हो जो शायद सोचा नहीं गया हो, दूसरा आप अपना प्रोडक्ट ओन करते हो, आप अपने प्रोडक्ट से ना या फीचर से अटैच होते हो, आपको उसे समझ में आता है कि अच्छा ये ना मैंने देखा है, ये ना मैंने किया है, इसमें ना सब चीज हो चुकी है, मैंने इसे यूज किया है, मुझे पता है अब इसका इन एंड आउट, वो आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो क्यूएज हैं वो इंटरनल कस्टमर्स भी होने चाहिए। अब इंटरनल कस्टमर में मुझे ये तो समझ आ गया कि वो इन एंड आउट समझ रहे हैं। आपने लास्ट में भी बोला था क्वेश्चंस के दौरान कि प्रोसेस जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज हैशटैग ट्रस्ट द प्रोसेस, देन आप रिजल्ट की गारंटी ले सकते हो कि क्या हो रहा है। क्योंकि मेरा थोड़ा सा इस पे ये कॉल रहता है कि प्रोसेस को भी समझने का तरीका है जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, और प्रोसेस को भी समझाने का तरीका है जब तक आप उसको खुद समझोगे नहीं, आप नहीं समझा सकते। क्योंकि कन्वे करना कोलेबोरेशन टीम में, मतलब कुछ ये होता है ना कि एक टेस्टर्स का बिहेवियर ये भी रहता है, मेरे को ना ये तोड़ना है। क्योंकि क्या होता है कि ये आज के टाइम पे जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रही है ना कि अपनेनवल टेस्टिंग में रह जाऊंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उससे ना कहीं एक इम्पेक्ट ये आ रहा है कि शायद अपने स्किल्स पे ना क्वेश्चन मार्क आ रहा है। एक बहुत बड़ी चीज आ रही है, तो एक ये चैलेंज है। यहाँ पर मैं इस चैलेंज की बात करना चाहता हूँ कि जैसे 1 to 2 years के ना एक्सपीरियंस के पर्सन में ना कभी कभी एक तरीके का बोल सकते हैं कि किसी बड़े सीनियर डेवलपर ने बोले यार तू फोड़ क्यों नहीं रहा, तोड़ दे। उसका कहने का मतलब ये है कि इसकी क्वालिटी को देख कि कहाँ ये फंस सकता है। बट उस 1 to 2 years वाले ने इसको इस माइंड सेट देख दिया कि अब तो मुझे फोड़ना है, अब तो मुझे नेगेटिव और वर्स पे ही बात करनी है, तो वहां पर हैप्पी फ्लो मिस होने के चांस है। क्योंकि वहां पर एक ट्रस्ट उसके अकॉर्डिंग बन गया कि पर्सन एक्सपीरियंस है, उसने तो कर दिया होगा, यूनिट टेस्टिंग में निकाल दिया होगा। तो यहाँ पर मैं ये केस स्टडी के थ्रू, ये आपके एक्सपीरियंस के थ्रू जानना चाहता हूँ कि इस चैलेंज से कैसे ओवरकम होगा, कि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना कि यू हैप्पी बात तो चल ही रहे। बहुत बड़ा ठीक है, है, मतलब मैं इसके बहुत ऊपर बड़ा, बहुत बड़ा, और इसको ना एकदम से बड़े क्वेश्चंस को सीधा एकदम टैकल नहीं करते हैं, पार्ट्स में तोड़ तोड़ के चलते चलते हैं, हैं, ठीक है बढ़िया ना। रहेगा। हाँ तो पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि एज अ क्यूए आपका जॉब, मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपका जॉब बग्स निकालना नहीं है, ठीक है ना। आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि यार एक फीचर आया है ना, इसमें से 25 30 बग आज निकाल के जरा डेवलपर्स का सैटरडे संडे खराब करता हूँ। अगर आप इस माइंडसेट से बैठे हो ना तो फिर भाई प्रॉब्लम है। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि ये जो फीचर आया है ना, इसको मैं जरा एक्सप्लोर करूँ, इसको मैं देखूँ कि ये है क्या, ठीक है। जब आप एक्सप्लोरेशन पे उतरते हो, वो आप तभी कर सकते हो जब आपको प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से पता हो। हाँ
आपको पता हो कि प्रोडक्ट चल कैसा रहा है, प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट की हाँ कोर जो उसको बनाने के पीछे की जो दी गई है, मतलब क्या मैं बोलूँ, वर्ड नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन जो लॉजिक दिया गया है या जो मार्केटिंग से एक जो स्टेटमेंट आई है, ये क्यों आई है और ये क्यों इंटीग्रेट हो रही है हमारे प्रोडक्ट में, और जब ये इंटीग्रेट होगी तो प्रोडक्ट के साथ कैसे काम करेगी, एज अ होल पिक्चर आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। हाँ रिगार्डिंग दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बोलूँगा, क्वालिटी अश्योरेंस एक टर्म है जिसमें बोला जाता है कि क्वालिटी अश्योरेंस जो है वो क्यूए टीम करती है और उनका काम है क्वालिटी को देखना। मैं इस बात से थोड़ा एग्री नहीं करता हूँ, मेरे हिसाब से क्यूए क्वालिटी अश्योरेंस नहीं, क्वालिटी असिस्टेंट है, क्योंकि अश्योरेंस में ना एक वो बात आ जाती है कि ये बग फ्री है, और जब आपके दिमाग में ये आता है ना ये बग फ्री है, तो फिर आपका माइंडसेट वो चला जाता है कि यार इसमें से ना 25-30 बग निकाल दूं मैं, सब हाँ कवर कर लूं, सब कवर कर लूं, बट रियलिस्टिकली आपको भी पता है कि सब कवर नहीं हो पाएगा, तो वो अश्योरेंस नहीं है, वहाँ असिस्टेंस है। क्योंकि क्वालिटी जो है ना वो किसी एक टीम की, किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, वो एज अ ऑर्गेनाइजेशन सबकी है, ठीक है। आप वहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करो। असिस्टेंस अब कैसे हो सकते हैं, कुछ प्रोसेस मिसिंग है, आपने प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, आपने देखा कि कम्युनिकेशन फ्लो तो बहुत अच्छा होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, बट क्या है कि जब वो बात बनाने पे आ रही है ना, जैसे जब वो डेवलपर बना रहा है, ये क्यूए टेस्ट कर रहा है, तो बात ही नहीं कर रहे हैं आपस में, समझ समझ लो रहा हूँ। डेवलपर्स ने एक आइसोलेशन में उसे बना दिया, टेस्टर ने उसे आइसोलेशन में टेस्ट कर दिया, उसने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, अच्छा ये है, टेस्टर ने अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, पर बीच में बात ही नहीं हुई, और जब बात ही नहीं हुई तब भाई चांसेस हैं कि वहाँ पे आप क्वालिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है ना। तो अडॉप्शन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का, किस चीज़ का, कि जहाँ पे आप अपनी बात को, अगर डेवलपर्स नहीं आ रहा है तो आप खुद जाओ, आपको क्वेश्चंस पुटअप करने पड़ेंगे। जी आप क्वेश्चंस किससे करोगे, आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो प्रोडक्ट मैनेजर से भी, आप कर सकते हो, आप बिजनेस से भी कर सकते बिल्कुल हो कि भाई ये जो फीचर आ रहा है, ये जो बनाने के लिए आ रहा है, इसकी मार्केटिंग तो हो चुकी है, तभी उन्होंने बोला है कि भाई ये फीचर की जरूरत है, बट ये फीचर को बनाओगे कैसे, कैसे बन रहा है, कैसे चीजें आएंगी, ये जब इंटीग्रेट होगा तो इसमें क्या क्या सिनेरियोज बनेंगे, अगर ये मोबाइल के लिए है तो अदर एप्स कैसे इम्पैक्ट होंगी, ये हमारी अदर स्क्रीन कैसे इम्पैक्ट होंगी, वेब पे है तो भाई कौन से वेब के लिए है, ये ना बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यही आपको अडॉप्ट करने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा एग्जांपल कोट करूंगा, जापान में, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे सफारी बहुत यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे एप्पल के लोग बहुत दीवाने हैं, ठीक है ना। जब आप उसे टेस्ट करने के लिए बात कर रहे हो या जब वो डेवलपमेंट पे बात आई है, तो वो देखा गया है कि क्रोम पे बना के, कि क्रोम पे सब सही चल रहा है, जो आपका बेंचमार्किंग है वो क्रोम के लिए हो रही है, समझ बट रहा हूँ। आपका जो कस्टमर बेस है वो सफारी वाला है। तो अगर आप कितना भी बोल लो कि भाई हमारी कंपनी में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, हमने टेस्टिंग बहुत इन एंड आउट की है, हम इंटरनल कस्टमर्स के भी हमने टेस्ट किया है, तब भी फेलियर आएगा, क्यों, क्योंकि आपको कोर चीज ही नहीं पता है, ना तो आपको प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है और ना आपको अपने कस्टमर के बारे में पता है कि एक्चुअली डिमांड क्या चल रही थी। तो यहाँ पे जो क्यूए है एक प्रोसेस को देख रहा है कि अच्छा यहाँ पे लूप होल है, तो असिस्टेंस दे सकता है अपनी, एक प्रोसेस बिल्ड कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। कुछ कुछ कंपनीज में क्यूए की लाइफ साइकिल ही नहीं होती है, डेफ क्यूए होता है, क्यूए होता है, और रिलीज पे रिलीज, रिलीज पे रिलीज, क्योंकि अल्टीमेटली यार सबको ग्रो करना है ना, ठीक है, ये हम ये समझ सकते हैं, और हर कोई ग्रो कर रहा है, कंपनी भी ग्रो कर रही है, कंपनी को भी पैसा चाहिए, बट आप ये देख रहे हो कि बस ये आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, यहाँ पे भी एक प्रोसेस आप बना सकते हो, तो यहाँ पे भी आप एक असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा अगर इस बारे में एक लेवल नीचे चले जाऊं तो कॉस्ट्स को भी लेके आते हैं। अब कॉस्ट्स को यूजली हम समझते हैं कि यार ना कि पैसा है, बट कॉस्ट ना टाइम भी हो सकती है, ठीक ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली टाइम भी हो सकता है, क्योंकि टाइम अगर ज्यादा लगेगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। अब इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हो सकती हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है ही, मतलब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आप कितना भी कुछ प्लान कर लो वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना, और वो ही काम एक क्यूए का है कि आप उन फैक्टर्स को देख के समझ के कंपनी को एक हैंड रेज कर सको कि देखो भाई सब चीजें तो हुई हुई है ना, बट ऐसा हो सकता है, फिर फाइनल डिसीजन भाई
इंजीनियरिंग मैनेजर या हाँ प्रोडक्ट मैनेजर या ओनर उसका होगा, ठीक है ना। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सीडेंटल हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोड का स्टैंडर्ड है, ये जो पीआर रिव्यूज है वो इतने बुरे चले जा रहे हैं कि कुछ भी चले जा रहा है और साइड इफेक्ट पे साइड इफेक्ट आए जा रहे हैं। तो क्यों है, यहाँ पे भी प्रोवाइड कर सकता है। आप बोलो कि भाई तुम जो फीचर बना रहे हो उसके जो यूनिट टेस्ट केस लिखोगे ना, उसमें मुझे एज अ रिव्यूअर डालना। अब लोगों को ना बहुत वो लगता है कि यार क्यूए क्या रिव्यू करेगा यूनिट टेस्ट की पीआर। बट क्यूए जब रिव्यू करेगा ना, तो उस चीज को समझेगा कि भाई इसने बनाया कैसे है, वो देखा कैसे है, उसका व्हाइट माइंडसेट बॉक्स। खुलेगा। वो समझना चाहेगा कि यार जिस पे मैं काम कर रहा हूँ ना, वो बना कैसे है। मैं ये बोलता हूँ और ये मेरा मानना भी है, मैं अभी भी देखता हूँ, मैं अभी भी इन चीजों को लर्न करने की कोशिश करता हूँ कि लोग जैसे थोड़ा ऑफ टॉपिक जाता हूँ बट यहाँ पे थोड़ा रिलेट कर, ये इसलिए बता रहा हूँ। लोग सिलेनियम पे जाते हैं, लोग लिखते हैं कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, कहीं पे डॉट लगा रहे हैं, कहीं पे हैश लगा रहे हैं। अभी डॉट और हैश आ कहाँ से रहा है डॉम में, क्योंकि आपको तो यही पता ना, एलिमेंट को इंस्पेक्ट किया और देख लिया ये क्लास मिल गई, तो का एक्स पाथ लिख दिया या फिर ये लिख दिया, सीएसएस मिल गया, ये आ कहाँ से गया। बट कभी देखा है कि भाई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में या स्टाइल डॉट सी एस एस में, या ये कहाँ पे ये चीजें डिफाइन की गई है, कैसे डिफाइन की गई है। आपको उस लेवल तक जाके एक बार अगर आप सोचोगे ना, तब आप प्रोडक्ट को ओन करते हो, और जब आप प्रोडक्ट को ओन करते हो तब आप उसको अपना समझ के काम करते हो, तब आप उसको ना एक ब्रॉडर माइंडसेट से सोच पाते हो कि अच्छा अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी देखता हूँ मैं, ये भी देखता हूँ। वहाँ आपके लिए अडॉप्शन ना थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ फ्लेक्सिबल भी हो जाते हो, क्योंकि एक तो आपका कम्युनिकेशन ग्रो हो गया। अब आप बाउंड नहीं हो सिर्फ क्यूए टीम से, अब आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने डेवलपर से, अब आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने यूआई यूएक्स वाले बंदे से, अब आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो प्रोडक्ट मैनेजर से, प्रोडक्ट ओनर से। तो आप एक ना एक ऐसा माइंडसेट कंपनी में जनरेट कर दे रहे हो कि एक बंदा ये समझ पाता है कि जब वो आपसे बात करेगा कि यार ये बंदा ना क्वालिटी को लेके ना बहुत मतलब सीरियस है। एक ऐसा माइंडसेट जनरेट कर दिया है ना कि हर कोई अब थोड़ा उसको लेके ना फोकस्ड है, तो वो बिल्डअप करना भी असिस्टेंस है और वो बिल्डअप करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे बड़ी वैल्यू एडिशन टेस्टर की यहीं से निकल के आती है इसी चीज में, यही कि है, वो कि क्या है। यही है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर ना एक चीज को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, एक वर्ड बहुत ज्यादा आज के टाइम पे जेंजी यूज कर रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। कि कोई भी क्यूए को टेकन फॉर ग्रांटेड मत ले, और कोई ये मत सोचे कि सिर्फ ये यू नो कि ये आपके क्लाइंट के आवर्स को पूरे करने के लिए यहाँ बैठा है, ये ना हो। और हम उसको फिर ये ना थोड़ा हमने भी एक्चुअली ले लिया है, हमने ही ना अपने आप को थोड़ा स्किलफुल मानना कम कर दिया है। हमें ही लगता है कि यार ना कि यार क्या मतलब, हम ना टेक्निकली उतने साउंड नहीं है, ये हमारा ही माइंडसेट है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं कि अब दो बंदे, जैसे हम 1 और 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस वालों को लेके बहुत बात करते हैं, जी दो बंदे कॉलेज से निकले, एक को डेवलपमेंट मिल गया, एक को टेस्टिंग मिल गई, ठीक है। अब डेवलपमेंट वाला तो भाई डेवलपमेंट कर रहा है, अगर मान लो उससे फ्रंट एंड मिल गया तो उसने भाई एचटीएमएल पे काम किया, सीएसएस बनाई उसने, उसने जावास्क्रिप्ट लिखी, और उसने 3 साल वही काम किया, वो डेली आता है, वही काम करता है, वही बनाता है, वही चीजें करता है। अब आप आए, आप ना एक तो क्रिप करने लगे कि यार टेस्टिंग मिल गई, ठीक है, आपने उसको ही समझने की कोशिश नहीं करी। फिर जब आप 3 साल बाद जब दोनों सेम पेज पे आए ना, तब आपने देखा कि यार वो यार बड़ा एक्सपीरियंस है, तुम और मैं यार मेरा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना मैं ऑटोमेशन सही से कर पा रहा हूँ, ना मुझ पर टेस्ट केसेस सही से लिखे जा रहे हैं। क्योंकि तुमने भाई अपने आप को काम नहीं किया, तुमने अपने पर काम ही नहीं किया, तुमने अपने आप को वही मान लिया कि यार डेवलपमेंट ऊपर है और टेस्टिंग नीचे है। ऐसा नहीं है, सब बराबर होते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो डेवलपर कितना ही अच्छा डेवलप करके बना दे, अगर वो टेस्ट नहीं हुई तो पता नहीं कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो ये माइंडसेट भी चेंज करने की जरूरत है। और फिर देखो, लिमिट तो कोई है नहीं गंदर भाई, सीधी सीधी बात है कि तुम्हें कितना सीखना है तुम्हें उतना सीखना है, क्योंकि कल को तुम्हें एग्जाम तो देना नहीं है कि भाई इंजीनियरिंग कर रहे हो कि 2 चैप्टर पढ़ लेता हूँ, 10 नंबर का एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा, 3 इधर से देख लेता हूँ, ऐसा तो है नहीं। कितनी डेप्थ तक तुम्हें जाना है तुम्हें पता है, कितनी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है तुम्हें पता है। अल्टीमेटली मैं फिर वही बात एक रिपीट करूंगा, बेसिक्स अपने क्लियर रखो, जब बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तब आप समझ पाओगे कि मैं कहाँ तक जा पाऊंगा और कैसे जा पाऊंगा। प्रतीक, इसमें आपने एक वर्ड यूज किया प्रैक्टिस, जिसको इस पॉडकास्ट में कम से कम हम 5 से 6 बार बोल चुके हैं। इसका रीजन है प्रैक्टिस से फिनिशिंग आएगी,
और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप उसमें कहीं ना कहीं परफेक्ट भी बनोगे। हाँ एक टेस्टर जो प्रॉब्लम फेस करता है ना, वो एक ये चीज होता है, कन्वे करना उसने सीख लिया, आपने बताया कि स्क्रीनशॉट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये फ्री है, पेड नहीं है, फ्री ये है। होंगे। क्वेश्चन ये हाँ होता है कभी कभी, इट इज वर्किंग ऑन माई मशीन, इट इज नॉट वर्किंग ऑन योर। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसने पूरा लिंक्डइन ही हिला दिया कभी कभी तो। क्योंकि मतलब वैसे तो जैसे ये भी बोलते हैं कि डेवलपर और टेस्टर में 36 का आंकड़ा है, ये सिर्फ हाइप स्टेटमेंट है। बट अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो डेवलपर और टेस्टर में जो बग होता है ना, बग का काम दोनों को जोड़ना है ना कि तोड़ना है। ये तो समझ लिया मैंने आपको पूरे एक्सपीरियंस से अभी तक। यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज ये आती है, मैंने एडोप्ट कर लिया ठीक है, बट फिर भी मैं फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पर एक वही 1 to 2 years पे दोबारा चलते हैं, क्योंकि बड़े एक्सपीरियंस पे तो पर्सन को समझ आ ही गया। 1 to 2 years एक्सपीरियंस पे यहाँ पे एक पर्सन आया, नॉर मैनुअल टेस्टिंग करता है, मतलब टेस्टिंग करता है, मैनुअल ऑटोमेशन नहीं करता, नॉर्मल टेस्टिंग करता है, बहुत बढ़िया टेस्टर है, वेबसाइट पे टेस्टिंग एक्सपीरियंस है, मोबाइल पे उसने एंड्रॉइड iOS तरीके से करा, UI में तो देख के मजा आ जाता है उसको कि भैया आज तो ये है, मैं रिपोर्टिंग अच्छे जाने वाली है, और काउंट अनकाउंटेबल बग्स आ रहे हैं, ब्लॉकर्स दे रहा है, फिर उनको फिक्स कराने के बाद रीटेस्टिंग का स्टेटस भी दे रहा है, और डेवलपर के साथ रिलेशन भी अच्छे हैं, और डेवलपर का माइंडसेट समझ आ गया, और डेवलपर को टेस्टर का समझ आ गया कि ये पिक करने वाला है, तो नेक्स्ट टाइम से वो ट्राई कैच सब लगा के बैठ गया। यहाँ से 2 साल में उसने अर्न कर लिया, वेरी वेल डन है, कंपनी ग्रो हो गई है, कंपनी में नया डिपार्टमेंट सेल्स फोर्स आ गया, सेल्स फोर्स में सेल्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, कंपनी ने कहा कि हम इन हाउस ही पर्सन को शिफ्ट कराएंगे और उनको अपस्किल कराएंगे। यहाँ पर वो पर्टिकुलर पर्सन सेल्स फोर्स टेस्टिंग में आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी बट स्ट्रगल एडोप्ट नहीं कर पा। तो यहाँ पर ये दोनों के कॉम्बिनेशन को, एक तरफ वो चला गया या भेजा गया, दूसरी वो एडोप्ट फिर भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर हम जैसे नॉर्मल सेल्स पर्सन बात करते हैं, यूआई यूएक्स को जनरली इतना नहीं तवज्जो दी जाती है, अगर फंक्शनल लेवल पे चीजें होती हैं। अगर आप एक्सपीरियंस साइड पे काम कर रहे हो तो पता है इंस्पेक्ट एलिमेंट करके फिग्मा स्क्रीन के अकॉर्डिंग चीजें मैच हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, बट नॉर्मल फंक्शनल में वो नहीं था। तो यहाँ पर एक टेस्ट में स्ट्रगल कर रहा है, उसको अपनी एफिशिएंसी पे या क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि क्या मैं टेस्टर वाला वैल्यू ऐड कर भी पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। तो ये किस मैं तरीके समझ रहा से, हूँ। हाँ, मैं ना इसको 3 पार्ट में तोड़ के चलते हैं आपके ठीक है। हाँ क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये था कि पूछा गया कि भाई इट इज वर्किंग ऑन माय मशीन इट इज नॉट नॉट वर्किंग वर्किंग ऑन बाय योर मशीन। ये भी ना एक माइंडसेट का प्रॉब्लम है। मेरे से भी एक बात हो चुकी है। मेरे से एक डेवलपर ने बोला था यार मेरी मशीन पे चल रही है, तो मैंने उसको सीधा एक रिप्लाई दिया था मीटिंग में। मीटिंग हमारी चल रही थी, मैंने उस मीटिंग में रिप्लाई दिया था, तो क्या कस्टमर आपकी मशीन पे काम करने वाला है या जो फीचर हम बना रहे हैं आपकी मशीन पे यूज होगा? चुप हो गए सारे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है। जब मैं कोड करने बैठ रहा हूँ ना, या मैं टेस्ट करने भी बैठ रहा हूँ, या मैं कुछ करने भी बैठ रहा हूँ, तो मैं इस माइंडसेट से बैठ रहा हूँ कि यार मेरी मशीन पे ये चल रहा है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप कोड कर रहे हो अपनी लोकल पे चला रहे हो, कोड कर रहे हो लोकल पे चला रहे हो, कोड कर रहे हो लोकल पे चला रहे हो, तो लोकल पे तो आपके चल ही रहा है। बट भैया समझने वाली बात ये है कि जो यूजर पे जाएगा तो आपके लोकल पे नहीं चलेगा। तो आपका माइंडसेट ही वहाँ ऐसा होना चाहिए कि वो डेवलपमेंट की फोर साइटेडनेस इतनी होनी चाहिए कि भाई ये CI पे कैसे चलेगी, ये वर्चुअल मशीन पे कैसे चलेगी, और जब ये डिप्लॉय होगी तो ये रियल मशीन पे कैसे चलेगी। समझ अगर गया। ये भी इतनी फोर साइटेडनेस रखता है ना, और वो इतना समझ पाता है कि भाई उसे पता है कि यार इसकी मशीन पे चल रहा है, अब यूजली क्या होता है कि आप पे फिर काउंटर ही नहीं बचेगा। क्योंकि अगर आप नहीं समझते हो, आप आए डेवलपर ने दिखा दिया 4 कमांड उसने टर्मिनल पे खोल के चला दिया, आधे दिमाग आप उसी में उड़ गया कि यार अब ये 4 क्या कर दिए हैं इसने, चला के दिखा दिया सब चल गया। बट अगर आप उसको बता पा रहे हो कि भाई माइंडसेट इशू है, तेरी मशीन पे नहीं चलाना है, मेरे को ये वहां चलाना है, कस्टमर मेरे फोन पे या वेब पे यूज करेगा ये वहां चलना चाहिए, अगर आप इतना फोर साइडेडनेस रखते हो तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से टैकल कर सकते हो। क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये ना ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, ये एक्सक्यूज है। हाँ सीधी ऑब्वियसली सीधी बात, ये एक्सक्यूज है। तो एक्सक्यूजेस हमें तो नहीं करने हैं, मतलब एग्री उन पे नहीं करना है। अगर एक्सक्यूज है तो आप फिर उसको काउंटर करो। दूसरी बात, आपने बोली कि एक बंदा है जो QA है, बहुत फ्लेक्सिबल है, रिलेशंस उसके हिसाब से बहुत अच्छे हैं, एक नया डिपार्टमेंट बना, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ बना, उसे वहां पे भेजा गया। अब अगेन मेरे हिसाब से तो सारी प्रॉब्लम ना माइंडसेट पे जाके टिकती है। अगर उसका डेवलपर फ्रेंड भी ट्रांसफॉर्म हुआ है उस नई टेक्नोलॉजी में, तो क्या उसे पता थी सेल फोर्स कैसे बनेगी?
भाई अगला डेवलपर बंदा भी तो सीख ही रहा होगा ना, हाँ जब वो बंदा सीख सकता है तो तेरे को कौन रोक रहा है सीखने के लिए, ठीक है। बिल्कुल और जब इनिशियल फेज में ये तुम, और जब तुम्हारा उससे कमांडरी इतनी अच्छी है कि तुम उससे बात इतनी अच्छी करते हो, जब डेवलपर को पता है कि इसका टेस्टर का काम करने का तरीका कैसा है, टेस्टर को पता है डेवलपर का काम करने का तरीका कैसा है, तो दोनों पहले ही उस पॉइंट तक का वेट ही नहीं करेंगे कि एंड में जाके बात करें, क्योंकि अडॉप्शन तो ऐसी हो सकती है ना। आप अपने डेवलपर फ्रेंड को बोलो कि यार मेरे को ना फेज वन से ही रख लेना अपने साथ, क्योंकि जो भी तू बिल्ड करता रहेगा वो मैं देखता रहूंगा कि कैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा कि भाई तू भी समझेगा मैं भी समझूंगा, तुम भी लर्न करोगे मैं भी लर्न करूंगा। इसी चीज को ना कोलैबोरेशन बोला गया है, और एग्जैक्टली कोलैबोरेशन को यूजली लोग ना बहुत अवॉइड करते हैं, और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोलैबोरेशन इज द नेसेसिटी। कोलैबोरेशन का कल्चर तो हर एक कंपनी में होना ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई ना प्रो नहीं होता किसी चीज में, समझे। अगर नई टेक्नोलॉजी आएगी तो मे बी हम अगर दो बंदे हैं, वो भी जीरो से ही स्टार्ट कर रहा है, मैं भी शायद जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। माइंडसेट का डिफरेंस हो सकता है, क्या पता वो जल्दी पकड़े, मैं कम देर में, थोड़ा देर में मुझे टाइम लगता हो समझने में, ये क्या पता मैं बहुत समझने में जल्दी कर देता हूँ, सामने वाला नहीं कर पा रहा है। तो अल्टीमेटली तुम दोनों का कोलैबोरेशन जब होगा ना बहुत अच्छी तरीके से, तभी तुम समझ पाओगे और तभी तुम देख पाओगे कि यार दोनों ही ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो उसके लिए भी आएंगी। बट अगर तुम्हारा तुम इतने फ्लेक्सिबल ही नहीं हो, अगर तुम बहुत रिजिड हो उस मामले में कि नहीं यार मेरे को तो ना यही पसंद थी, यार कहाँ आ गए, अपना वेब पे करते थे, अपने ब्लॉकर निकालते थे, अपना ये करते थे वो करते थे, तुम क्या कर रहे हो ना, एक तो अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक रहे हो, बिल्कुल तुमने अपना एक बैरियर तुमने खुद ही लगा दिया है कि नहीं यार मेरे को ना ये गली जाना ही नहीं है। तो एक तो तुम्हारी ग्रोथ तुमने अपने आप को खुद ही रोक दी, प्लस उससे तुम ना कंपनी भी इम्पैक्ट होती है एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखो, क्योंकि तुम्हारा जो ग्राफ ऐसे जा रहा था, अब तुमने नहीं सीखने की कोशिश करी है तो वो ऐसे जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे ब्लॉकर नहीं आएंगे, क्योंकि अब तुमसे हैप्पी पाथ भी नहीं फाइंड करे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि अडॉप्शन कैसे होगा, फ्लेक्सिबल तुम्हें होना है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी भी कुछ तरीके हैं, कुछ रीजन है, कुछ सोल्यूशन हैं। जैसे आप एक काम करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, तो बोरिंग साइकिल में चले जाते हो। मोनोटोनस अब हो ये जाता क्यूए के साथ भी, डेवलपर के साथ भी है भाई, वो अगर आएगा एक ही कोड को रोज देखता रहेगा, उसी में चेंजेस करता रहेगा, तो बोर होते रहेंगे। इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना कि बात करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो जब आप डेवलपर और एज ए क्यूए मिल के बात करते हो ना, एक तो वहां पे आप एक आइस ब्रेक करते हो, आप एक समझ पाते हो उसका काम करने का तरीका, फिर आप उससे भी पूछ सकते हो एज अ डेवलपर, पूछो भाई, क्योंकि उसका तो आपको पता ही कि वो क्यूए वाला बंदा नहीं है, वो माइंडसेट नहीं रखेगा, आप उस या नहीं या क्या पता उस लेवल तक शायद ना जा पाए। तो आप उससे बोलो कि यार ये सिनेरियो में यार कैसे हैंडलिंग करी है, कैसे देखा गया है, कैसे किया गया है, इन चीजों पर आप बात करो, इन चीजों से आप समझो, आप उसके काम करने का तरीका समझोगे, क्या पता आप, हम जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम अपनी बात से ही आप क्वेश्चंस निकाल रहे हो, पुट कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसे ही जब हम प्रोडक्ट या फीचर को डिस्कस कर रहे हैं डेवलपर की, वो कुछ एक चीजें निकल रही है जो फिर हम प्रोडक्ट मैनेजर से डिस्कस कर रहे हैं या ईएम से डिस्कस कर रहे हैं, फिर वही ईएम्स भी इंक्लूड हो गए उस कॉन्वर्सेशन, ठीक है ना। तो आप देखो अब वो चीजें सब अच्छी बनती चली जा रही है, हर कोई फ्लेक्सिबल है अपने अपने जोन में। अगर कोई नेट टेक्नोलॉजी आती भी है या कहीं पर ऐसा ब्लॉकर आता भी है जहाँ पे सबको कलेक्टिवली काम करना है, तो सबकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है ना कि बहुत उसी इजी तरीके से कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक पिलर अगर रिजिड हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रतीक, हमने काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर बात कर लिया। स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा एक समराइज वर्जन दे देता हूँ, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है, तो उससे पहले एक समराइज वर्जन देना जरूरी है ऑडियंस को कि हमने क्या क्या चीजों पे बात करी है। हमने बात की ना, सबसे इम्पोर्टेंट थ्रू आउट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ग्यूमेंट वर्सेस एक्सक्यूज, बात को फिजूल में आगे बढ़ाने से बढ़िया कि गलती मान लो वो ठीक है, कि नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया, छूटा तो छूटा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। छोटा दूसरा, अटेंशन टू डिटेल्स एक्चुअली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। टेस्ट केसेस आप अपने लिए नहीं बना रहे हो, दिमाग आपका लग रहा है बन सबके लिए रहे हैं, क्योंकि किसी को एग्जीक्यूट करना है तो वो चेक करके जाके देख सकता है। हर बार अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए कॉल पे नहीं जाया जा सकता। उसके बाद बिल्कुल हमने सबसे बिल्कुल बड़ी बात करी कि इंटरनल कस्टमर, खुद पहले कस्टमर के यू नो शूज में फिट आना वाला जो पॉलिसी वो है। 36 के आंकड़े को लेकर थोड़ी सी बात हुई कि यू नो कोलैबोरेशन इज द की टू सक्सेस इंस्टेड ऑफ कंपटीशन, कि मेरे को फोड़ना नहीं, मेरे को असिस्ट करना है, सारे दांव पे तो हाँ कर ही देंगे हम, क्योंकि फिर वही हमेशा नहीं तो हर बार टेस्टर ही फंसेगा ना।
क्योंकि एक ये चीज हाँ हमारे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जितना मैंने भी तक काम किया तो मैंने ये देखा है कि फॉर एप्रिसिएशन वेरी गुड टीम, बट फॉर रिवर्स वेयर इज योर टेस्ट, ये एक चीज ऑब्वियसली. सिखाती है। तो इन हमने इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात किया, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज वन ऑफ द की, जिसको हमने पूरे पॉडकास्ट में नहीं छोड़ा अच्छी तरीके से, किस चीज पे पिक किया, कैसे कर सकते हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन है प्रतीक इस पॉडकास्ट का, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एनी स्पेशल मैसेज टू आर ऑडियंस जो इस पॉडकास्ट को देख रही है, उनके लिए क्या आपका एक मैसेज है कि कि जो गलतियां हो रही हैं अगर हम उसको ठीक करने का, कैसे अपने आप को अपस्किलिंग किस तरीके से, क्योंकि ये अपस्किलिंग ही है एक तरीके की, तो इसके ऊपर आपका भी हाँ कुछ हाँ सकते हैं। ठीक है. मैं इस पर बात कर सकते हैं क्योंकि मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ, तो मैं बहुत रिलेटेबल एक तरीके से बताऊंगा. सबसे पहली बात जो मैंने शायद इस पॉडकास्ट में बहुत बार बोली है, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि बेसिक्स को बहुत ज़्यादा क्लियर रखना. जब आप जी बेसिक्स क्लियर रखते हो तो बहुत चीज़ अपने आप क्लियर हो जाती है. हाँ सेकेंड, मैं आपको ये बोलूंगा कि करके देखो. लिखना की आदत डालो. मतलब इवन अगर आप कोड भी पढ़ रहे हो, या फॉर एग्जांपल अगर आप समझ रहे हो ना ऑटोमेशन के लिए भी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप कोडिंग देखना चाह रहे हो, तो देख के नहीं, अपने लैपटॉप पे ना उसको टाइप करके देखो. जब आपकी उंगलियां चलेंगी ना तभी आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ ये चीज़ हो रही है. ठीक है. तीसरी चीज, प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है हर कंपनी का, और हर कंपनी का प्रोसेस अलग होता है. तो आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप उस प्रोसेस में अपने आप को अडॉप्ट कर पाओ. ठीक है ठीक है. चौथी पॉइंट मैं बोलूंगा कि कोलैबोरेशन करना सीखो. उसके लिए, कोलैबोरेशन के लिए आपको थोड़ा ना अपनी अपने स्किल्स में भी शायद जो ये सॉफ्ट स्किल्स हैं थोड़ा शायद उस पर काम करना पड़े. अपने आप को देखो, अपने आप को प्रेजेंटेबल करने का देखो कि आप कैसे कर सकते हो, आप बात कैसे करते हो, आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो तो कैसे करते हो, वो चीज़ भी एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है. स्पेशली कोई बंदा अगर QA की जर्नी स्टार्ट कर रहा है, मैं उसे रिकमेंड नहीं करूंगा कि डायरेक्ट ऑटोमेशन पे जंप करो. क्योंकि ऑटोमेशन अगर अचीव भी कर लिया फिर क्या, वहां तक एंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हें ना पहले का पता है ना बाद का पता है. ठीक है. क्योंकि तुम ऑटोमेशन, जैसे हमने बात बोली ना इट वर्क्स ऑन माय मशीन, तो ऑटोमेशन का फ्रेमवर्क भी तुम बस अपने ही मशीन पे बना पाओगे. नहीं पता कि वो CI/CD में कैसे जाएंगे, कैसे अपने टेस्ट लगाओगे, कैसे रिपोर्ट आएगी, कैसे वो चीजें बनेंगी, तो कैसे नाइटली चलेगी, कैसे PR पे चलेगा, वो फिर अलग जोन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है. ठीक है ना. फिफ्थ, आजकल बहुत कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे. तो रेदर देन सेइंग कि यार ये कंटेंट बेकार है, ये कंटेंट अच्छा है, ये कंटेंट बहुत अच्छा है, ये कंटेंट यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया ना, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम एक क्वालिटी कंटेंट को ढूंढो और क्वालिटी कंटेंट को सीखो. ठीक है. और उससे समझो कि चीज़ें चल कैसी रही हैं, चीज़ें हो क्या रही हैं. अपने आप को अप टू डेट रखो मार्केट में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है. अभी हमने गंधर्व ने थोड़ा पॉइंट दिया, हमने उस बारे में बात नहीं करी, बट GenAI LLMs बहुत मॉडल्स आने वाले हैं. लोग ये भी बोलते हैं कि QA की जॉब चली जाएगी, मैं नहीं मानता QA की जॉब चली जाएगी, बट वो टेक्नोलॉजी से आपको ना अपडेट रखना पड़ेगा. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बात कही कि सेल्स फोर्स में अगर चेंज हो भी रहा है बंदा, हो तो रहा है तो इतना कैसे उसको सकते होना चाहिए कि वो देख पाए, वो कर पाए. क्वेश्चन करना सीखो. चीजें अगर आ रही हैं, या कोई फीचर भी तुमको दिए जा रहा है, या कोई स्टेटमेंट भी है, कोई चीज बोली जा रही है ना, तो उसे ना एक्सेप्ट मत कर लो कि यार ठीक है. उसको क्वेश्चन करना सीखो, उस पर क्वेश्चन बनाना सीखो कि यार ना, तुम जब देखोगे तो बंदा लगता है कि यार ना क्लियर है, कुछ पढ़ के आ रहा है, कुछ चीजें करके आ रहा है, कुछ समझ के आ रहा है, मतलब रैंडमली या वेग नहीं बोल रहा. लास्ट चीज मैं बोलूंगा, थोड़ी एक्सपीरियंस से आएगी, बट अगेन अपना माइंडसेट अश्योरेंस से असिस्टेंस की तरफ मूव करो कि तुम असिस्ट कर रहे हो, तुम अश्योर नहीं कर रहे हो. और जो क्वालिटी है वो कोलैबोरेटिव एफर्ट है, ना कि इंडिविजुअल एफर्ट है. इंडिविजुअल से टीम भी हो सकता है, इंडिविजुअल से पर्सन भी हो सकता है. एंड थैंक यू सो मच प्रतीक फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, इट रियली मीन्स अ लॉट. एंड जो भी आपने पॉइंट्स बताए इट विल डेफिनेटली हेल्प ऑडियंस को करेगा कि किस वे में करना है. एंड एक चीज जो आपने हमेशा थ्रू आउट पॉडकास्ट में बोली है कि माइंडसेट वाइज क्लियर होना बहुत जरूरी है, वो नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा. तो थैंक यू सो मच प्रतीक वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग, इट रियली मीन्स अ लॉट. थैंक यू थैंक यू. सो मच. और गंदर भाई, बहुत मजा आया बात करके. कुछ मैंने सीखा, कुछ आपने सीखा. जो कोलैबोरेशन पे मैं जोर देता हूँ जी वो भी यही है, ये एक एग्जांपल है उस चीज का.
और मैं भी कुछ पॉइंट्स लेके जा रहा हूँ, कुछ टेक अवेज मैं भी लेके जा रहा हूँ। बहुत मजा आया यार बात करने में। थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग मी, और बहुत 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 मजा आया। थैंक यू।